वेलकम बैक टू माई चैनल सुपर ब्यूटी डिजायर्स और मेरा नाम है प्रेरणा। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरा मिंत्रा कुर्ती हॉल। यस गाइज, जो रिसेंटली मिंत्रा पे सेल चल रही थी, ब्लॉकबस्टर सेल, मैंने वहां से अपने लिए 3 कुर्तीज को परचेज किया था। तो आई एम सो वेरी एक्साइटेड, आज मैं आपके साथ में वो शेयर करूंगी कि कुर्तीज कैसी हैं और कैसी मुझे पैटर्न लगा, डिजाइन कैसी लगी, फैब्रिक कैसा लगा, और मिंत्रा का क्विक रिव्यू बताऊंगी आपका, तो जो कि सुपर डुपर अफोर्डेबल है। जो कि बता दूं मैं आपको, बिलो 500 की कुर्तीज हैं। यस गाइस, जब मैंने वो उन कुर्तीज को देखा था तो मुझे लग नहीं रहा था कि जो है बिलो 500 की कुर्तीज है। एंड ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि जो उनकी MRP है वो है 1200 से अबव। यस गाइस, जो कुर्तीज मैं आज आपको शो करूंगी सभी की MRPs 1200 से अबव है, लेकिन मुझे मिली है बिलो 500। यस, तो आप भी देखना चाहोगे ना कि मैंने कौन कौन सी कुर्तीज सिलेक्ट करी हैं, तो चलिए दिखा देती हूँ मैं आपको आज की कुर्तीज जो मैंने सिलेक्ट करी हैं। लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को और हिट लाइक करना इस वीडियो को अगर ये वीडियो अच्छा लग जाए। चलिए नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो गाइज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि मैंने मिंत्रा से काफी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑर्डर करे थे, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं मुझे वो सेपरेटली रिसीव हुए हैं। जैसे कि मैंने 3 कुर्तीज मंगाई थी, तो ये 3 कुर्तीज मुझे 3 पैकेट्स में रिसीव हुई हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, एक बार में आपको पैकेट रिसीव कभी भी नहीं होते हैं मिंत्रा से। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है मेरे लिए, बिकॉज एक प्रोडक्ट कभी आ रहा है, दूसरा प्रोडक्ट कभी आ रहा है, तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट्स आपके रिसीव होते हैं। तो मैंने कुछ टी शर्ट्स वगैरह भी ऑर्डर करी थी अपने लिए, टॉप्स, तो वो मुझे किसी और कुरियर में मिले, और ये जो 3 कुर्तीज हैं वो मुझे किसी और कुरियर में मिली। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कि कौन कौन सी कुर्तीज मैंने परचेज की हैं। एंड ऑल्सो आई बी एडिंग द ट्राई ऑन क्लिप हियर। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट कुर्ती मेरे हाथ में आ रही है वो ये है, देख लेते हैं कौन सी है ये। तो ओके गाइस, तो पैकेजिंग तो उनकी अच्छी ही रहती है ऑफकोर्स ऑलवेज। तो गाइज, ये है फ्रॉम द लिबास ब्रांड, एज यू कैन सी लिबास आर्ट। तो ये इस तरीके का इनका मोनो है यहाँ पर दिया हुआ है। एंड देन ये जो कुर्ती है ये इस तरीके से पैक होकर मुझे मिली है। लेट मी शो यू द कुर्ती, हाउ डज इट लुक लाइक। तो गाइज, ये इस तरीके की है, वन सेकेंड। तो गाइज, ये इस तरीके की एक कुर्ती है एज यू कैन सी। तो ये है इसका फ्रंट, तो आप देख सकते हैं ये कोल्ड शोल्डर एक कुर्ती है, और ये जो स्लीव्स हैं ये बेल स्लीव्स हैं एज यू कैन सी, और नेक इसका जो है बोट नेक है, और ये इस तरीके की स्लीव्स, मुझे पैटर्न, स्लीव्स का पैटर्न मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया इसका, और जो क्लॉथ मटेरियल है दैट इज़ ऑल्सो इन अ विस्कस मटेरियल, तो वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। एक जो अपना पॉली क्रेप होता है उस तरीके का मटेरियल है। एंड देन ये जो लेंथ है गाइज, ये फुल लेंथ है, आप देख सकते हैं इसकी, मतलब ये फ्लोर लेंथ की कुर्ती है। एंड ऑल्सो यहाँ पर एक कट भी दिया गया है, स्लिट दिया गया है, वेरी लो स्लिट दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो इसको आप एज अ ड्रेस भी कैरी कर सकते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू कैरी दिस ड्रेस एज अ वेस्टर्न वेयर, तो उसको भी आप इस तरीके से कैरी कर सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, इसका जो वेस्ट है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हल्की सी स्टिचिंग दी गई है वेस्ट पे, जो कि हम क्या बोलते हैं, चुन्नटे बोलते हैं, तो वो यहाँ पर डाली गई हैं, तो उससे जो है हमारा टमी भी हाइड हो जाता है एज यू कैन सी। और अगर आप थोड़े से वेटी साइड में हैं तो ये इस तरीके की कुर्तीज आपको परचेज करनी चाहिए, जिससे कि आपका टमी हाइड होता है। तो ये जो फर्स्ट कुर्ती है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है गाइस। एंड इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ कितने का है। तो ये है 1499 का इसका जो MRP है, 1499। एंड ये कुर्ती मुझे एक्चुअल में कितने की मिली है वो मैं आपको स्क्रीन पर ज़रूर लिख दूंगी। तो यस गाइस, ये थी मेरी फर्स्ट कुर्ती जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। चलिए देख लेते हैं कि मेरे ऊपर कैसी लग रही है। देन गाइज, इसके बाद में है ये वाली कुर्ती जो कि है फ्रॉम द ब्रांड
विच ब्रांड? विशुद्ध। तो ये विशुद्ध ब्रांड से है एज यू कैन सी। और चलिए देख लेते हैं ये किस तरीके की कुर्ती है। आपने काफी बार जो है कुर्तीज को कई सारे हॉल्स में देखा होगा, तो आई वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉर दिस कुर्ती और मैं सोच रही थी किसी और कलर में इसको परचेज करूंगी, बट द रिव्यूज ऑफ अदर कलर्स वॉज नॉट गुड, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं ब्लैक में ही परचेज करती हूँ। तो ये इस तरीके की कुर्ती है, ऑल टैग्स आर इंटैक्ट। और देख लेते हैं किस तरीके की है। तो ये इस तरीके की कुर्ती है गाइज, एज यू कैन सी, लेट मी शो यू लाइक दिस। तो इसका भी बोट नेक है एंड देन बोट नेक में यहाँ पर एक हल्का सा स्लिट दिया गया है और इसकी जो स्लीव्स हैं दैट आर क्वार्टर स्लीव्स और काफ़ी अच्छा प्रिंट है ये, आप देख सकते हैं। आई एम वेरी मच स्केप्टिकल कि जो प्रिंट है वो आफ्टर वॉश जाए ना, बस यही थोड़ा सा मुझे एक डाउटफुल लग रहा है। अदरवाइज जो प्रिंट दिया हुआ है बहुत ही ज़्यादा सटल प्रिंट है, आप देख सकते हैं दोनों स्लीव्स में है। एंड ऑल्सो ये जो प्रिंट दिया गया है वो पूरा यहाँ तक दिया गया है, सी आपकी वेस्ट तक जो है प्रिंट आ जाएगा, तो ये काफी एक स्मार्ट लुक देती है गाइज आपको। और आप ये जो है डेनिम्स में भी कैरी कर सकते हैं या फिर आप इसको गोल्डन कलर के पैलाजोस के साथ भी कैरी कर सकते हैं। उसका स्लिट भी काफी ठीक है, मतलब ज्यादा हाई स्लिट नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे है स्लिट इसका, तो ये ज्यादा हाई स्लिट भी नहीं दिया गया। एंड ऑल्सो जो मुझे इसकी अच्छी बात लगी वो ये है कि स्लीव्स में पीछे भी इसकी ये प्रिंट एक्चुअल दिया गया है जो कि आगे दिया गया है, तो ये जो है अच्छा लगता है, वियर्ड नहीं लगता कि आगे नहीं है पीछे, मतलब आगे ही है ओनली पीछे नहीं है, तो इस तरीके से दोनों साइड हमें मिलता है, तो ये काफी अच्छा लगता है, प्रिटी लुक देता है। एंड ऑल्सो बोट नेक है, तो इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ कितने की है ये, मतलब इसकी MRP है 1199 की MRP है इसकी कुर्ती की। और ये कितने रेट्स में मुझे मिली है वो मैं आपको स्क्रीन पे बिल्कुल मेंशन कर दूंगी। आई थिंक 429 की थी ये, तो यस ये 429 की कुर्ती है। तो ये है मेरी नेक्स्ट कुर्ती जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और चलिए देखते हैं कि मैंने इसको किस तरीके से कैरी करा है। थर्ड जो मेरी कुर्ती है वो ये है, चलिए देख लेते हैं ये किस तरीके की है। तो या तो ये है गाइस फ्रॉम द ब्रांड अक्स, AKS और अक्स वॉट एवर यू मे कॉल इट। तो ये जो गाइस कुर्ती है ये एक व्हाट वाज द कलर, लाइट येलो कलर की कुर्ती है जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये इस तरीके की है यू कैन सी। और ये भी जो है कोल्ड शोल्डर कुर्ती है गाइज, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर इसकी इलास्टिक दी गई है, तो कभी कभी होता है कि अगर जब हम कोल्ड शोल्डर पहनते हैं तो वो थोड़ा सा लूज होता है तो इट स्लिप्स डाउन, बट यहाँ पर जो है इलास्टिक दी गई है तो ये स्लिप नहीं होगा। एंड ऑल्सो द स्लीव्स आर क्वार्टर स्लीव्स, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है इसकी, मुझे अच्छी लगी थी। और ये जो प्रिंट है इसका गाइज, ये एक तरीके से खादी प्रिंट है, आप देख सकते हैं जो विलेज खादी प्रिंट होता है वो है इस तरीके का, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये जो प्रिंट है। ये डेनिम के साथ में मस्त लगने वाली है कुर्ती। एंड ऑल्सो जो इसकी सेकेंड मतलब जो USP है इस कुर्ती की वो ये है, तो इसके जो नीचे ये दिए गए हैं व्हाट डू वी कॉल इट स्लिट्स और फ्रिंजेस और वट एवर यू मे कॉल इट, ये हैं इसके नीचे दिए गए टैजल्स, आई थिंक टैजल्स बोलते हैं इनको, तो ये इस तरीके के दिए गए हैं। तो ये अगर आप डेनिम पहनते हैं तो डेनिम के ऊपर बहुत ज़्यादा स्मार्ट लुक देती है और स्ट्रेट फिट कुर्ती है, तो ये जो है आपके फिगर को भी एकदम बहुत ही अच्छे से यू नो उभार कर लाती है, तो बहुत ही अच्छी ये मुझे कुर्ती लगी। और इसका जो प्राइस है MRP है दैट इज क्या MRP है इसकी 1099, तो इसकी 1099 MRP है, बट ऑफकोर्स ये मुझे मिली है बिलो 500 रुपीज़। तो ये है मेरी अनदर कुर्ती जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, चलिए देख लेते हैं कि मेरे ऊपर कैसी लग रही है।
यस गाइज, यही था मेरा आज का मिंत्रा कुर्ती हॉल। होपफुली आपको पसंद आया होगा। और आपकी कौन सी इनमें से फेवरेट कुर्ती है प्लीज मुझे जरूर बताना, आई वुड लव टू नो दैट। तो मिलूंगी मैं आपसे किसी और वीडियो में, ऐसे ही एक प्यारा सा वीडियो लेकर आने वाली हूँ। टिल देन स्टे ब्यूटीफुल, स्टे स्टाइलिश, बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइज, बाय, लव यू ऑल।